जिन पर फर्जी पट्टे, उन पर मेहरबान तहसील प्रशासन, सच्चाई बताने वालों को महोदय की फटकार। खबर कराहल से, जहां एक बुजुर्ग किसान जगबीर सिंह कराहल तहसील के मुखियाओं को मनमानी से इतना तंग आ चुका है कि उसका न्याय तंत्र से विश्वास ही उठ चुका है। जगबीर सिंह ने बताया कि कराहल तहसील में न्याय के नाम पर उन्हें सिर्फ बेइज्जती ही मिली है। किसी भी मामले में उनके जमीनी संबंधी कागजों को ना देखकर सिर्फ किसी और प्रकार के हरे भरे कागजों पर ध्यान दिया गया है। जगबीर सिंह ने बताया कि उनके जमीनी बंटवारे के विरुद्ध एक अपील SDM न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महज 15 दिनों में ही SDM महोदय द्वारा उनकी बात न सुनते हुए उनके वर्षों पुराने बंटवारे को निरस्त कर दिया गया है। जब मैंने SDM सर से इस जल्दी की वजह पूछी और दूसरे पक्ष के बारे में हकीकत बताई कि वह लोग फर्जी पट्टे कराए हुए हैं और सरकारी जमीन होते हुए, तो SDM साहब ने मेरी बात ना सुनते हुए मुझे जलील करके भगा दिया, जिसकी शिकायत अब मैंने कलेक्टर संजय कुमार से की है। वहीं अब से कुछ समय पहले मुझसे कलेक्टर के नाम से पैसे दलालों द्वारा पैसे मांगे गए, मगर मैंने पैसे नहीं दिए, तो मेरी पनवाड़ा स्थित भूमि के पट्टे भी प्रशासन ने खारिज कर दिए और हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी मेरी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया था। प्रशासन मेरे भूमि पट्टे तो खारिज कर देता, तो जिन लोगों के फर्जी पट्टों को शिकायत मैंने कर रखी थी, उनके फर्जी पट्टे खारिज क्यों नहीं कर दिए जाते? और तो और, जब कलेक्टर ने उस सरकारी ज़मीन की जाँच के आदेश दिए, तो कराहल तहसीलदार उन लोगों पर कोई कार्यवाही न करते हुए कार्यवाही के नाम पर एक व्यक्ति पर जुर्माना ठोका जाए। वहीं जगबीर सिंह ने कहा कि इन सब मामलों को कलेक्टर संजय कुमार के सामने लाऊंगा और मुझे विश्वास है कि कलेक्टर ऐसे अफसरों पर जरूर कार्यवाही करेंगे और उन फर्जी पट्टों को भी खारिज करेंगे। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। क्या मामला है आपका तहसील संबंधित? मैंने जब ना बटांगड़ बंटवारा किया था, मेरी जो ज़मीन है वो दबारा के सरदारों ने। किस जगह आपकी ज़मीन? ज़मीन है मेरी सिलपुरी में, और मेरे उसके लिए पटवारी ने कहा था बटांगड़ बंटवारा कराओ। भाई मेरा जो बंटवारा हो गया 6 साल में, तो मेरा बंटवारा हुआ, उसके बाद मिला बटांगन करवाओ तब आपकी ज़मीन निकलेगी। मैंने बटांगन का लगाया, बटांगन का तहसीलदार ने वीर सिंह आवासीय ने है ना उसको कर दिया मेरा बटांकन, यानी पूर्व में जो तहसीलदार थे पहले उन्होंने पूर्व में। उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये सरदार लोग हैं, इन्होंने फिर अपील करी। क्या अपील की? अपील मेरे विरुद्ध, मेरे बंटवारे के विरुद्ध। तो SDM ने कराल ने 15 ही दिन में अपील स्वीकार कर ली और मेरे को मेरे निरस्त कर दिया मेरा बटांकन। उसके जो SDM अभी मौजूद है आप ये कैसे? फिर मैंने ये सर कैसे मैंने उसको कहा, मैं कहा ये बात है, ये सरदार है बेईमान, और ये 30-40 बीघा ज़मीन तो शासकीय कब्जा रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन मेरी कब्जा रहे हैं और 15 बीघा ज़मीन कब्जा रहे हैं उसकी, क्या भूदान की 884 में, और उसमें 878/2, 878/3, 878/4 अपनी करमजीत, चरणजीत और महेंद्रजीत अपने औरतों के नाम पट्टे करा रखे हैं नाजायज़। यानी वो पट्टे गलत तरीके से कराए गए? गलत तरीके से। तो SDM साहब ने क्या फैसला दिया? SDM साहब को मैंने कही, मगा जी बेईमान आदमी है, ये ज़मीन मेरी भी दबा रहे हैं, सरकारी भी और वो भूदान की भी। SDM मेरे को कहने लगा कराल के आप अपने काम से काम रखो। उसके बाद में मैं गया फिर अपर कलेक्टर के पास, एप्लीकेशन दी, अपर कलेक्टर ने मेरी सुनाई की, SDM कह रहा नया आया है वो मगाजी, वो भी मिला हुआ है। फिर उसने SDM को कही, मतलब आप कलेक्टर साहब के पास गए SDM साहब की शिकायत करने? हाँ गया। तो कलेक्टर साहब ने क्या SDM साहब को इस बारे में फिर? हाँ कहा कि नया SDM आ रहा है, उससे मिले मगाजी मिला, वो भी मिल रहा है, उनसे सरदार उससे पैसे खा रहा है, मेरे निरस्त कर दिया 15 ही दिन में। अच्छा, आपने कलेक्टर साहब से कहा कि नए SDM सरदारों से पैसा खा रहे हैं? हाँ खा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने फिर आपको क्या आश्वासन दिया? वो कह रहे मैं बात करता हूँ उससे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या और कहना चाहते हैं आप? क्या है, उधर कलेक्टर अपर कलेक्टर साहब ने जो इनको कही, तो सुबह मेरे पास 2 गाड़ी अपना यहाँ की तहसील की तहसीलदार और 2 गाड़ी पुलिस की मेरे पास गई, उन्हें मैं गेट पे बुलाया उन्हें कि आपने शिकायत करी, मैं करी है इनकी सरदारों की, सरकारी ज़मीन घेर रखी है, वो सामने की ज़मीन धान खड़े हैं। तो उसके बाद में बिला ठीक है, उसके पास चले गए, ये तो अपना तहसीलदार और TI वगैरह उनके घर चले गए, 15-20 मिनट बैठे, 3-4 पटवारी को आराई को छोड़ाए, आप फिर आ गए, उसके बाद वो भी सेट कर लिए उन्होंने, पैसे दे गए। और एक गरीब आदमी था मूल निवासी यहाँ का,
बोधू के लड़के, उन पे अपना क्या नाम है वो केस डाल दिया कि ये कब्जा कर रहे हैं, उन पे 50,000 जुर्माना कर दिया, सरदारों से पैसे लेके जेब डाल लिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो जांच करने वो गए थे तो जिन लोगों की जांच करनी थी उनको वो का कुछ नहीं किया, उनको क्लीन चिट दे दी गई। हाँ। और जांच के नाम पे किसी अन्य व्यक्ति पर जुर्माना उसी नंबर 903 में ना वो दूसरे आदमियों को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया जो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के अपना सिलपुरी के। अच्छा। उन पे तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत इसमें हम समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल मिली भगत है। तो और क्या आप इस जो आपके साथ जो हुआ है, जो आपका आपके पक्ष में आदेश नहीं हुआ, इस आदेश को लेके आप आगे कहाँ? आगे मैं कमीशन के गया, यहाँ न्याय नहीं मिलता मेरे, कभी नहीं मिला कभी। अच्छा, कराल तहसील में आपको न्याय ना मिला? ना थाने मिल रहा है न्याय और ना कराल तहसील में, सब तो भ्रष्ट। 70 साल की उम्र हो रही है, मेरे को SDM कहे हैं कि तो मैंने कहा जी बेईमान आदमी है, ये सरकारी जमीन कब जा रहे हैं, ये भूदानी कब जा रहे हैं, ये मेरी कब जा रहे हैं, बोला अपने काम से काम रख, मेरे को धमकाया। तब मैं डिप्टी कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर साहब के पास गया। यानी आपको एक तरह से जलील कर दिया? जलील कर रहे हैं। आपने एक सच्चाई उनके आगे बताना चाहिए तो आपको जलील कर दिया गया? हाँ, वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैंने जमीन 2004 में खरीदी थी, 5 हिस्सेदार थे, जीजा साले, और जीजा की जमीन भूपेंद्र की और उसकी क्या नाम है अपना भूपेंद्र की और दिलबाग की जमीन खरीदी मैंने 34 बीघा 1400। और 2004 से चारों तरफ बाउंड्री है मकान, एक बीघे में मेरा 2 मंजिल का मकान बना हुआ, बाहर से मैं आता हूँ हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। इन्होंने धोखे से मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं, मेरी जमीन को खुसकाना चाहते हैं, और ये अपना प्रशासन की के थ्रू ये काम करा रहे हैं मेरे साथ, और मैं बड़ा परेशान हूँ। आपकी उम्र को भी ना देखते हुए आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं बुजुर्ग आदमी, 70 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ मैं, और यहाँ कभी कभी मैं आता हूँ तो ये कभी मेरी जमीन खुसका लेते तो मेड़ तोड़ के कभी आपको कानूनी दांव पेच से परेशान किया जा रहा है? हाँ, कानूनी परेशान किया जा रहा है मेरे को, और मेरी रजिस्ट्री जो है जो रोड की रजिस्ट्री हुई हुई मेरी। हाँ, ये कराल से भगवान रोड गया ना, इसके ऊपर रोड किनारे की जमीन आपकी है? हाँ, अरे बैक में पीछे इनकी है। तो ये क्या कहते हैं लोग? ये अब कहते हैं हमारी जमीन है ये। अच्छा, रोड पर वो अपनी बताते? हाँ, अब अपनी बताते हैं। पहले रोड की महंगी, सबसे महंगी जमीन खरीदी मैंने उस टाइम, 5-7 गांवों में कोई जमीन नहीं, 35,000 बीघा खरीदी थी मैंने उस टाइम 2004 में। अब ये रोड निकल गया और ये बन गया तो अब ये कह रहे हैं तो बेईमान हो रहे हैं। तो ये मतलब ये कह रहे हैं कि रोड वाली हमारी है, पीछे तुम्हारी है। हाँ, यानी आपको पीछे जमीन देने की बात कर। हाँ, दो दो आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। दो बार मेरी जमीन इन खुशका ली, 5 बीघे खुशका ली रोड के, और एक बार ही अब 2 बीघे के अपने खुशकाली में जाता हूँ गर्मियों में अपना मेड़ तोड़ के, और 10 बार आदमी है ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बेईमान हो रहा है इनके ऊपर। मेरे वो क्या नाम है, मेरी ज़मीन थी यहाँ पे पनवाड़े में, और उसको इन्होंने क्या करे अपना क्या नाम पट्टे और निश्चित करके, और क्या नाम मैं स्टे लिया है वहाँ से हाईकोर्ट से, और स्टे होने के बाद मेरी फसल क्या नष्ट करी, जिनते सारा तहसील थी, उसके बाद में इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगी। अच्छा, आपने हाई कोर्ट से इन पर कंटेम्प्ट लगा? हाँ, कंटेम्प्ट लगाई के क्या नाम है कबीर सिंह आवासीय तहसीलदार के भी, और के कार्य लोकेंद्र सलर के ऊपर, और कलेक्टर के ऊपर शिव वर्मा के ऊपर केस चल रहा है उनके ऊपर। अच्छा, आज भी हाईकोर्ट में और वो केस चल रहा है। हाँ, इनके केस चल रहा है, और वो जमीन मेरे छुटवाने के बाद में तो होनी चाहिए सरकारी, और वो वो जमीन मेरे से छुटवा गए और अब उनको दे दी। यानी आप कह रहे हैं कि आपसे छुड़वा कर वो जमीन किसी अन्य व्यक्ति के कब्जा में दे दी? हाँ, दे दी मैंने पीछे भी कहीं 1 महीने पहले तहसीलदार को, यहाँ जीप खड़ी थी, मैंने मगा मैं तेरे ऊपर की केस करूँगा कोर्ट में, पटवारी भी थे और भी सारे थे, बिला कर देना। यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट से ही आपको न्याय की उम्मीद है, यहाँ न्याय नहीं मिलता? हाँ, हाईकोर्ट से है, हाईकोर्ट ने मेरे को न्याय दिया, यहाँ कोई नहीं। हाईकोर्ट की स्टे होने के बावजूद इसने SDM ने करार ने यहाँ पे उसको कहिए पटवारी को, तू जगबीर की फसल नष्ट करके आ, पटवारी ने कहा कि सर वो उसकी हाईकोर्ट की स्टे है, अतः इतना बेलगाम हो रहा था SDM लोकेंद्र सिंह सरल, बोला चाहे हाईकोर्ट की स्टे हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की, तू फसल नष्ट करके आ उसकी, और ये फसल नष्ट करके आए मेरी। यानी माननीय न्यायालय का आदेश भी यहाँ मान्य नहीं हो? कोई नहीं मान्य रखता, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करता है, हाईकोर्ट को चैलेंज करते हैं, उन्हें मनमानी करे, बेलगाम हो रहे हैं ये।
तो अभी आपके साथ जो अभी रिसेंटली जो एक आपका आपके पक्ष में जो आदेश नहीं हुआ उसकी शिकायत आप कलेक्टर से करेंगे और कलेक्टर से न्याय की उम्मीद है आपको? हाँ करूँगा जी, कलेक्टर के पहले भी अपर कलेक्टर के देखा, अब भी के मैं एक महीना पहले कलेक्टर को देख आया जो अखबार में निकली थी और इनकी जो सरदारणियों की वो क्या ना फर्द नकल क्या खजरी नकल देखा। संजय कुमार कलेक्टर साहब से न्याय की उम्मीद है मेरे को, मेरी सुनी, एक महीना पहले गया था मैं, अब फिर जाऊँगा, उसके बाद मैं अपना अपना वकील करके और इनके खिलाफ़ अपना केस डालूंगा, कलेक्टर का वकील खड़ा करूंगा, इनके पट्टे निरस्त कराने हैं मैंने। ये तो फर्जी पट्टे लोगों ने कर रखे हैं वो आप उन्हें निरस्त करा कर रहे हैं? हाँ कराऊंगा बिल्कुल। तो अभी भी कुछ फर्जी पट्टे निरस्त हो रहे हैं तो इनके क्यों नहीं हो रहे हैं? इनके नहीं हो रहे, पैसे देते हैं। अच्छा पैसे देते हैं इसलिए? और पट्टे निरस्त हो गए फिर नहीं छुटवाऊँ कब्जा इनसे, यानी पैसे भरने के चक्कर में इनको छोड़ दिया जा रहा है। हाँ पैसे खिलाते हैं जिन पर पैसे नहीं है उनके निरस्त किए जा रहे हैं, उनके तो पट्टे होते ही नहीं ओरिजिनल भी, और उनके जो नहीं देते उनके निरस्त होते हैं। मैंने कहा था मैं पैसे नहीं दूँ, मेरे को कह रहे थे कलेक्टर को पैसे दे दो पट्टे निरस्त, मगर नहीं दो। आपसे कलेक्टर के नाम पर पैसे मांगे गए? हाँ मांगे गए मेरे से, मैं तो मंगा एक रुपया भी नहीं दूँ। किसने मांगा था आपसे पैसा? हाँ मेरे को कह रहे वकीलों ने भी कहे और ये यहाँ भी कहे एजेंटों ने। हाँ अगर कलेक्टर पैसे दे दो नहीं होंगे मगर होने दे, मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, रोज का काम इनका।